हेलो फ्रेंड्स आज हमारी थ्योरी है थ्योरी ऑफ नीड ऑफ अचीवमेंट दिस थ्योरी वॉज प्रपाउंडेड बाई मैकली लैंड ने यह एजम्शंस दिया कि अगर हमें हाई अचीवमेंट्स करनी है तो हमारे लिए डिज़ायर्ड अच्छी होनी चाहिए हमें अच्छी परफॉर्मेंस देनी चाहिए अगर हम अच्छा परफॉर्म करेंगे तो ही हम अचीवमेंट को फुलफिल कर पाएंगे अकॉर्डिंग टू मैकली ही डन अ रिसर्च रिसर्च में उन्होंने पाया कि एंटरप्रनोरशिप और एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट मोटिवेशन से बहुत प्रभावित होती है अगर एक एंटरप्रेन्योर के पास मोटिवेशन है तो उसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होगी और उसके अचीवमेंट्स भी बहुत हाई रहेंगे अकॉर्डिंग टू मैकली अ पर्सन एकवायर्स थ्री टाइप्स ऑफ नीड्स एज अ रिजल्ट ऑफ हिज लाइफ एक्सपीरियंस नंबर वन नीड फॉर अचीवमेंट अगर किसी के अंदर एक ड्राइव है किसी चीज़ को मास्टरी करने की तो उससे अचीवमेंट मिलती है नंबर टू नीड फॉर पावर अ ड्राइव टू डोमिनेट और इन्फ्लुएंस अदर अगर आपके पास पावर है तो या तो आप उसे अच्छी जगह यूज़ करके लोगों को से काम करवा सकते या फिर लोगों को आप डोमिनेट कर सकते हैं नंबर थ्री इज़ नीड फॉर एफिलिएशन अगर आपके पास नीड है एफिलिएशन की तो आप लोगों से एक फ्रेंडली नेचर रखते हैं और आपके रिलेशंस अच्छे होते हैं मैकली ने अपने थ्योरी को समराइज़ करते हुए कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताए हैं एंटरप्रनॉर के लिए जैसे कि उन्हें अपने लिए एक रियलिस्टिक गोल सेट करना चाहिए उन्हें रिस्क कैलकुलेटेड लेना चाहिए उनके सिचुएशंस ऐसे होने चाहिए जहां वो प्रॉब्लम ख़ुद की सॉल्व कर पाए उन्हें फीडबैक एक ऐसी कंक्रीट मिलनी चाहिए कि जिससे वो अपना एंटरप्रेन्योर को ऐसी सिचुएशन प्रीफर करनी चाहिए जहां वो अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए उन्हें एक, एक ऐसी कंक्रीट फीडबैक मिलनी चाहिए कि वो अपने बिजनेस में कैसा परफॉर्म कर रहे हैं उनकी नीड फॉर अचीवमेंट सिर्फ इसलिए नहीं होनी चाहिए कि उन्हें अपना इकोनॉमिक ग्रोथ करना है या सोशल स्टेटस uh, बनाना है बट इसलिए होना चाहिए क्योंकि वो खुद को सेटिस्फाई कर सके एज अ पर्सनल इंडिविजुअल नेक्स्ट थ्योरी हम देखेंगे थ्योरी ऑफ रिकवर द विड्रॉल ऑफ स्टेटस ये थ्योरी एवर्ट हैगन ने प्रपाउंड की थी अकॉर्डिंग टू एवर्ट हैगन उनकी एजम्शंस थी कि अगर किसी भी ग्रुप में विड्रॉल की सिचुएशन आती है तो वो सिर्फ़ एक सोसाइटी की वजह से आती है सोसाइटी में जब एक ग्रुप दूसरे ग्रुप को डोमिनेट करने लगती है डोमिनेशन की वजह से ग्रुप के अंदर या एक बन लोगों के अंदर ऐसी फीलिंग आती है कि अब हमें डोमिनेट नहीं होना है और हमें खुद को एक एंटरप्रेन्योर के रूप में निकालना है ख़ुद का बिजनेस सेटअप करना है और अपने सोसाइटी के लोगों को बिज़नेस या फिर अपॉर्चुनिटीज़ देनी है इस तरह से विड्रॉल की फीलिंग लोगों के अंदर आती है हेगन ने आगे बताया कि विड्रॉल की वजह से फोर पर्सनालिटी टाइप हमारे सोसाइटी में क्रिएट हो जाती है जिसमें से नंबर वन है जिसमें फर्स्ट है रिटलिस्ट एंटरप्रेनर हु कंटिन्यूज टू वर्क जो अपने वर्क को कंटिन्यू करते रहते हैं विदाउट एनी डिफ्रेंसी इन वर्क और स्टेटस सेकेंड है रिचुअलिस्ट दोज हु वर्क एज पर द नॉम्स बट विदाउट एनी होप ऑफ इम्प्रूवमेंट इन द सोसाइटी और देयर वर्किंग कंडीशंस थर्ड है रिफॉर्मिस्ट One who is rebellious in nature and they tries to bring new days of working or new rules in the society. Number four, the innovator, an entrepreneur who is creative and try to achieve his goal set by himself. According to Hagen, these are the following conditions just to se withdrawal ki conditions aati hai. Number one, when a repeated group is forcefully displaced by another group. जब एक ग्रुप दूसरे ग्रुप से डिस्प्लेस्ड हो जाता है सेकंड इज व्हेन अ बेटर ग्रुप चेंजेस इज व्यू अबाउट द सबऑर्डिनेट ग्रुप जब एक अच्छा ग्रुप अपने दूसरे ग्रुप के बारे में अपनी थिंकिंग और अपने सोच को बदल दे तब विदड्रॉल की सिचुएशन आती है एंड नंबर थ्री इज वेन पीपल स्टार्ट्स लिविंग इन न्यू सोसाइटी देयर थिंकिंग एंड देयर व्यूज इज चेंजिंग अबाउट द सबऑर्डिनेट सोसाइटी एंड ग्रुप्स होप कि आपको ये थ्योरी क्लियर होगी नेक्स्ट हम देखेंगे बिहेवियर थ्योरी बिहेवियर थ्योरी वॉज़ प्रोपाउंडेड बाई जॉन कंकल ही एज एम सिंस दैट एंटरपेनोरियल डेवलपमेंट ऑफ एनी सोसाइटी डिपेंड्स अपॉन इट्स पास्ट एंड एग्जिस्टिंग इकोनॉमिक सोशल एस्परेशन उन्होंने बताया कि सोसाइटी की पास्ट कंडीशन कैसी थी और प्रेजेंट कंडीशन कैसी है इस पर एक एंटरपेनोर uh, की माइंड सेट डिपेंड करती है ही फील्स the फॉलोइंग टाइप्स ऑफ कंपोजिशंस आर essential फॉर entrepreneurial डेवलपमेंट किसी भी एंटरप्रनॉर की बिजनेस को डेवलप करने के लिए उनका मेजर फैक्टर डिपेंड करता है कि वो किस सोसाइटी से बिलोंग करते हैं पास्ट एक्सपीरियंस उनका कैसा रहा है उन्हें अपॉर्चुनिटीज़ कैसी मिल रही है और अगर अपॉर्चुनिटी उन्हें मिल रही है तो उनके पास लेबर है या नहीं उनको मार्केट प्रोवाइड करा जा रहा है या नहीं उन्होंने जो प्रोडक्शन के मैथड अपनाए हैं वो उनके बिजनेस को एक्सपैंड करेगा या नहीं सो दीज वर द फ्यू टाइप्स विच हेल्प एंटरप्रनोरियल डेवलपमेंट नेक्स्ट उन्होंने कुछ डायमेंशन बताया था विच इज़ आल्सो हेल्पफुल इन एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट फर्स्ट वन इज़ नीड फॉर हाई अचीवमेंट एंटरप्रेन्योर की अचीवमेंट हाई होनी चाहिए एंटरप्रेन्योर शुड ऑलवेज बी रेडी टू टेक रिस्क ही शुड बी कंट्रोल्ड बाय हिमसेल्फ रैदर देन बाय लक द बिहेवियर ऑफ एंटरपिनोर में इंक्लूड हरी इन ऑलमोस्ट ऑल एक्टिविटीज द शुड भी सेंसिटिव दुड नॉट बी हायर हाईपर एक्टिव एंड एग्रेसिव एंटरपिनोर को अपना डिसीजन बहुत काम वे में और सोच समझ कर लेना चाहिए होप आपको ये वीडियो क्लियर मिलते हैं अगले वीडियो में थैंक यू